जय इन साथियों, टाउन फिजिकल न्यूट्रिशन अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे बहुत से भाई ऐसे परेशान हैं जिनका एडमिट कार्ड, अग्निवीर का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप परेशान मत होइए, आप पूरी वीडियो को देखिएगा। छोटी सी वीडियो इसमें हम बना रहे हैं ताकि आपको मेरी बात समझ में आ सके। दोस्तों, अभी सर्वर जो है कि इतना लोड चलने की वजह से एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है। हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो काफ़ी परेशान हैं। बहुत से भाई हमसे कांटेक्ट करके पूछ चुके हैं कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो आप परेशान अभी मत होइए। अभी क्योंकि एक साथ सभी एआरओ का एडमिट कार्ड जारी होने की वजह से एडमिट कार्ड वाली जो साइट है, जो ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट है, उस पे लोड, एक बैग लोड पड़ने की वजह से सर्वर बहुत स्लो चलना चलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे। इसमें कोई परेशानी या कोई घबराहट की बात नहीं है। आप देर सवेर शाम सुबह तक आप कभी न कभी आप उसको डाउनलोड कर ही लीजिएगा, तो अभी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे मुख्य प्रॉब्लम ये आ रही है सामने कि जो भी भाई हमारे अग्निवीर जीडी का फॉर्म भरे थे और नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भरे थे, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम निकल करके ये आ रही है कि उनका जो दोनों डेट है, एक ही डेट में दे दे रहे हैं सब। जैसे अग्निवीर जीडी का एग्जाम का डेट और नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम का डेट सेम डेट, एक डेट दे रहे हैं, ताकि लड़का कोई भी जाए तो सिर्फ बस सिर्फ एक एग्जाम दे सके, या तो अग्निवीर जीडी का दे सके या तो नर्सिंग असिस्टेंट का दे सके। तो ऐसे में डिसीजन आपको लेना है कि आप नर्सिंग असिस्टेंट का दीजिएगा कि जीडी का दीजिएगा। अब तक तो सभी लोगों को ये लग रहा था कि अरे यार बढ़िया है बढ़िया, 21 तारीख तक, 17 तारीख से 21 तारीख तक लेकर के जीडी का हम एग्जाम दे लेंगे, फिर उसके बाद 25 तारीख में नर्सिंग असिस्टेंट का दे लेंगे। लेकिन अब वो क्या क्या नियम, क्या क्या कायदा कानून बनते जा रहा है, सभी सिर्फ बस सिर्फ इंडियन आर्मी में जो कुछ भी हो रहा है, इंडियन आर्मी की भर्ती में हर एक समस्या उत्पन्न हो रही है। तो अभी जैसे जो हो रहा है उसके हिसाब से आपको हमको चलना है। तो आपको जो बेस्ट लगे, मेरे हिसाब से तो आप यदि नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी वैसे आपकी मर्जी है। और रही सवाल एडमिट कार्ड निकलने की, तो यदि आपका भी एडमिट कार्ड ऐसा है, यदि मान लेते हैं जो भी भाई हमारे जीडी का फॉर्म भरे हैं और नर्सिंग असिस्टेंट का, यदि आपके भी एडमिट कार्ड पे ऐसा शो कर रहा है कि एक ही डेट मिल रही है, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि इस बात की पूर्ण रूप से संतुष्टि हमको भी मिल सके कि हाँ सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक या दो के साथ ऐसा हुआ तो दिक्कत की बात नहीं है, सबके साथ यदि ऐसा हो रहा होगा तो यही थोड़ी सी कष्ट है कि लड़कों के साथ धोखा हो रहा है। तो यदि आपके भी साथ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एडमिट कार्ड के लिए आप ट्राई करते रहिएगा, आपका एडमिट कार्ड बहुत जल्द डाउनलोड हो जाएगा। अभी सर्वर स्लो होने की वजह से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।